अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कोरोना के मद्देनजर इस माह होने वाले ग्रैमी अवार्ड 2021 को कब करवाया जाएगा? ए जनवरी 2021, बी फरवरी 2021, सी मार्च 2021 या डी अप्रैल 2021। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर के नए डीएम द्वारा किया जा रहा प्रखंड कार्यालय और अंचल का निरीक्षण। भागलपुर जिले में नए डीएम आने के बाद रोजाना सभी एक एक कर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के डीएम सुब्रत सेन ने जिले के जगदीशपुर प्रखंड में औचक निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले उन्होंने बलुआचक स्थित पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया और फिर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए राशन कार्ड के आवेदन जमा को लेकर आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण किया गया है। देखिए, अभी ज्वाइन करने के बाद मेरे द्वारा ब्लॉक का भ्रमण किया जा रहा है, ब्लॉक अंचल कार्यालय, पीओ का ऑफिस, तो ये जा करके देख रहे हैं। इससे एक तो भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी मिल रही है और वहीं का दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या है और जो कार्यालय की कार्यालयी तौर पर है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, संबंधित पदाधिकारियों से बात भी हो रही है, दिशा निर्देश भी हम लोग दे रहे हैं। धान अधिप्राप्ति की गति और तेज है, उसके लिए भी समीक्षा की जा रही है। आरटीपीएस से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो सही तरीके से सही समय पर सबको मिल सके, इसके लिए हम लोग आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। पंचायत स्तर पे भी हमारे आरटीपीएस कार्यालय संचालित है, वहाँ से भी हम लोग कर रहे हैं। कैश बुक वगैरह में जो भी अपडेशन का काम छूटा हुआ है उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और आपदा से संबंधित जो 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान है, जो डूबने नदी में डूबने से हो या सामूहिक दुर्घटना में हो, उसमें जो भी पेंडेंसी है उसको भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तो इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेकर के समीक्षा की जा रही है। सर, नहीं ऐसा स्पेसिफिक, देखिए ये बहुत जनरल बात करने से होगा नहीं। अगर कहीं भी किसी तरह का किसी स्कीम में गड़बड़ी की कोई बात है, किसी भी माध्यम से लिखित या ऐसे ही मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जनरल पब्लिक के फ़ोन के माध्यम से अगर आता है तो हम लोग जाँच कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, यहाँ पर जगदीशपुर में बालू खनन भी होता है, इस पर किस तरह की पहल की जाएगी? वही है कि मैंने जैसे बताया कि अभी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अगर अवैध उत्खनन की बात होगी, किसी गलत तरीके से क्रियाकलाप में संलिप्त करने की बात सामने आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। रिश्वतखोर पदाधिकारी को 14 दिन के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल। देर रात भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित निगरानी कोर्ट के एडीजे 4 दिनेश शर्मा की अदालत में मधेपुरा जिले में जिला नीलामी पत्र पदाधिकारी के प्रधान लिपिक विंदेश्वरी सदा को पेश किया गया, जहां से रिश्वतखोर पदाधिकारी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल भेज दिया गया। निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर ने बताया कि जिला नीलामी पत्र पदाधिकारी के लिपिक के द्वारा सर्टिफिकेट केस को समाप्त करने को लेकर रिटायर्ड प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार से 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत रिटायर्ड प्रधानाध्यापक ने निगरानी विभाग से की थी, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा उदाकिशुनगंज थाना बाउंड्री से महज 200 मीटर दूर पर उमेश साहनी के चाय की दुकान है घुसखोर लिपिक को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा गया था। हाँ, ये बिंदेश्वरी सदा है और नीलाम पत्र पदाधिकारी मधेपुरा के कार्यालय के ये हेड लिपिक हैं।
और वहीं से ये जो सर्टिफिकेट केस के अथी में सिलसिले में निरंजन कुमार वहाँ का रिटायर प्रधानाध्यापक था, वही केस को ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा 50,000 रुपया की मांग की गई थी। कल इनको सुबह 9 बजे वही रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। आज कहाँ लेकर आए हैं? हाँ, आज इनको पेशी के लिए भागलपुर विजिलेंस कोर्ट में लेकर के आए हैं। अभी आप परिचय दे दो सर। हम सुरेंद्र कुमार मऊवार, DSP विजिलेंस पटना। जदयू के बड़बोल विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में। जदयू के बड़बोल विधायक गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। दरअसल बुधवार को गोपाल मंडल और बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें गोपाल मंडल द्वारा जाति विशेष को गालियां दी जा रही थी। इसको लेकर गुरुवार को नौगछिया जदयू ने भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान गोपालपुर से जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने वायरल ऑडियो और वीडियो को गलत बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह ऑडियो इंजीनियर शैलेंद्र ने वायरल किया है, यह कैसा गठबंधन है। क्षेत्र का विकास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जाति को जोड़ के चलते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री तो कमाल दिखाते हैं, बिहार में किसी जाति को नहीं छोड़ते हैं। उसी स्टाइल में हर जाति को लेके चलते हैं। को गाली देंगे, भूमिहार हमारा वोटर, ब्राह्मण हमारा वोटर, व्यवसायी हमारा वोटर, हम गाली देते हैं। किसके ऊपर कमांड करेंगे? ऐसे 4 बार हम चुनाव नहीं जीते। ऑडियो में जो गालियां सर दी जा रही, तो वो क्या है? की बात कर रहे हैं आप, किसको सहतने की बात कर रहे हैं? क्यों सहते, किसको सहतेंगे? वोटरों को सहता जाता है, वोटरों को सहता जाता है। अगर सहतना हुआ सहते, तो हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको खाता है, अभी भी उन दलों के लोग लाठी से दो ठो मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था, फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। सर आपको गुस्सा कब आता है, सही बात पे या गलत? अरे भैया उचित बात पर, गलत बात पर क्यों गुस्सा आएगा? परहेज कर लेते, अब तो बोलना भी नहीं चाहते हम तो। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपसे ये पूछा गया कि आप किसको सहतने की बात कर रहे हैं? अरे हम ये बोले कि हम अपने जात को सहते हैं। हमारा भी जात कुछ विरोध में रहा, हम अपने जाति का राइफल बंदूक रखवा दिया, और किसको? भूमिहार को सहतेंगे, ब्राह्मण को सहतेंगे? लेकिन उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर सहतने की बात से हमको बात हुआ मित्रवत, अब ये नहीं जाने को वायरल कर देगा, क्या गठबंधन कर लोगे? जिनके लिए मैं बलिदान देकर अपने आदमी को हरा कर उनको जिता दिया, वो वायरल करता है पूरे बिहार के वर्ग, उन अपने वर्गों से गाली सुनवाता है। कहाँ कहाँ से थ्रेट किया जाता है हमको, बेगूसराय से, लखीसराय से, बिहार के कोने कोने से, रात में हम सुतने नहीं दिया है। अब इसमें जगतपुर हम बचेंगे। वीडियो में सर आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मसल्स पावर और दबंग होना जरूरी है, आप चुनाव कैसे जीते? तो मसल पावर है हमको जगह पर का, हम दबंग आदमी हैं, हम बिहार का दबंग नहीं है। बिहार का दबंग आदमी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, लेकिन क्षेत्रीय दबंग हमें कोई किंतु परंतु नहीं। जिसके मुंह में बोल नहीं हो, जिसका चेहरा संस्कारहीन हो, जिसके पास रुपया नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो क्या चुनाव जीतेगा? भाजपा सर आपसे गठबंधन में है, और उनके प्रत्याशी जो भागलपुर से रोहित पांडे हैं, उनको लेकर आपने कहा कि उनके मुंह में बोल ही नहीं है। ये नहीं, ब्राह्मण है, टिक वाला है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, तू हमारा छोटा भाई, हमारा कहने का मतलब कहीं उनके खिलाफ बयान नहीं दिया है कभी। हे मालूम हो उधर ब्राह्मण होकर छिपे हुए, उनको भी रहना चाहिए। सब पर हमने सब हमारे ये हरिराम बाबा जो है मिश्रा जी, इनको नहीं रहा गया, तब इन्होंने प्रेस करो, हमने आ रहे थे, हमको बुला के लाए। जयप्रकाश महंती हमारा प्रचार करने वाले, ये यहाँ पर हमारे जदयू के अध्यक्ष जाम में फंस गए हैं, विनोद मंडल जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, यही कहे ये बाबा संग मत हो जाइए, फिर बात करेंगे। हमारे सब मामला भरना है, तो ये सब कहानी है। तो हम उनको रोहित पांडे को कुछ बोल भी नहीं है, बातों बात में ये हो गया, तुरंत मालो गए हुए थे। बरारी के जितने भी जादव हैं, हर जात तो देवे करते हैं, जादवों देते हैं चूँकि मुस्लिम बगल में, तो जादव उनको वोटिंग करते हैं। कोयला घाट का भले नहीं थे,
लेकिन वो घूमने के लिए गया ही नहीं। अगर एक बार घूमने के चला जाता या कभी हमको टोक लेता, 35,000 मंडल है यूनिवर्सिटी से लेकर किनारे किनारे, और हम फतवा जारी कर देते अति पिछड़ा और मंडल समाज का मैं नेता हूं। कई जिलों में हमारा वर्चस्व है, जो कहते हैं भले कोई एमपी बन जाए लेकिन मंडल अति पिछड़ा का नेता उत्तरी बिहार में गोपाल मंडल है। इसको अहंकारी सब बोलिए, जो बोलिए लगा बजा के थोड़े बोलिए। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया SDO ने CO व थानाध्यक्ष के साथ की बैठक, दिए निर्देश। कहा भूमि विवाद के मामले को CO व थानाध्यक्ष गंभीरता से लें, पूरे मामले का अवलोकन कर करें निष्पादित। नवगछिया मंडल कार्यालय में गुरुवार को SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDPO दिलीप कुमार सहित सभी अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के दौरान अनुमंडलीय पदाधिकारी ने जमीन विवाद के मामले में अंचलवार समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। SDO ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी थानाध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन करें। भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन में अंचलाधिकारी स्थल का निरीक्षण कर विवाद का निपटारा करेंगे, जो जटिल विवाद है उसे अवगत कराएंगे। नवगछिया राजपा के प्रत्याशी संजीव सिंह ने SP से की सुरक्षा की मांग। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबू सिंह ने गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल से जान माल की सुरक्षा के लिए SP को आवेदन देकर गुहार लगाया है। उन्होंने नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष को भी आवेदन दिया है। विधायक गोपाल मंडल जी द्वारा, गोपालपुर विधानसभा के जो हैं उनके द्वारा बार बार मेरे ऊपर अटैक की संभावना है, क्योंकि जब से मैं चुनाव लड़ने मैदान में उतरा हूँ उसी दिन से लेकर बीच बीच में मेरे ऊपर या मेरे जाति के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर गाली गलौज, धमकी भरा संदेश ये शुरू से भेजने का काम गोपाल मंडल जी के द्वारा हो रहा है। मेरे नामांकन का भी जो था उस समय भी मेरे ऊपर धमकी का उन्होंने अपने आदमियों से करवाया था, और आज भी बराबर उनका सुनने में आता है कि वो मेरे ऊपर जान मारने के नियत से चोर गुंडों को बैठा कर एक साजिश के तहत धमकी भरा संदेश रोज भेजते रहते हैं, जिसका कि ऑडियो और वीडियो हर एक चीज़ वायरल हो चुका है। आज पेपर में भी हर एक पन्ने पर सिर्फ उन्हीं का ऑडियो वीडियो का किस्सा है। वो अपने पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनको भी गाली गलौज करने से नहीं चूक रहे हैं, तो हम तो खैर उनके विरोधी हैं, हम तो उनके विरोध में चुनाव लड़े हैं, इस वजह से मेरे ऊपर संभावित रूप से जान का खतरा है। इसलिए मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया, आरक्षी अधीक्षक नवगछिया और भागलपुर जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप रहा हूं कि मुझे सरकार के ऐसे गुंडे विधायक के विरुद्ध जो है मुझे जानमाल की सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक प्रदान की जाए, अन्यथा कोई भी मेरे साथ घटना घटित होती है इसमें इसकी जिम्मेवारी सरकार की और यहां के नवगछिया के पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ के विधायक जहाँ तक हैं सवाल की, वो विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ गाली गलौज लौंडा नाच करते हैं, जो कि नीतीश कुमार जी को बेहद पसंद है। चार चार बार के विधायक लौंडा नाच जब जब वो जीतते हैं तब तब दिखाते हैं। इसी लौंडा नाच को देखते हुए उन्होंने आज तक अपना प्रत्याशी गोपालपुर से बदलने का काम नहीं किया है। इसी कारण ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ में मैं चुनाव में भाजपा ऐसे अच्छी पार्टी को छोड़कर राजपा ज्वाइन करके उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसी वजह से मुझे और मेरे जाति को टारगेट किया गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज रिंग बंद के कारण हमारा नवगछिया 6 महीने के अंदर डूबने के पर फिर तैयार है, डूबने को रिंग बंद के चलते। केला खेती जहाँ हमारे गांव से लेकर मकनपुर तक होता था वहाँ पे अभी धान गेहूँ मकई का खेती हो रहा है, उस पर तो विधायक जी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बाढ़ कटाव की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ लौंडा नाच पे है। बढ़िया ऑर्केस्ट्रा हो, बढ़िया लड़की के साथ उनका नाच हो, वो बेहद पसंद है नीतीश कुमार जी को।
और यहाँ की सरकार को, यहाँ के पदाधिकारियों को, उन पर कोई मतलब उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज विस्थापित परिवार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो क्या मेरी जाति से हैं? वो भी तो मंडल हैं जिनको विस्थापित कर दिया गया है, गंगा के कटाव में वो विस्थापित हैं। सोहरा मधुरोनी में कटाव चल रहा है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। जाम की स्थिति बनी हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर दिन दहाड़े रोज खून होता है, रोज अपराध हो रहा है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो तो सारे गुंडों की सूची बनाकर उन्हीं को अपना मतलब साथी बनाकर घूम रहे हैं। सरकंदे मैं अपना ज्ञापन सौंप रहा हूं। उचित उनके विधायक शराबबंदी कर रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम फलाने के जगह पर से शराब पकड़ाने के बाद मैंने उनको छुड़वाया। अरे नीतीश कुमार जी, आप कौन सा शराबबंदी का ढोल पीट रहे हैं? सुशासन का सरकार बोलते हैं और आपके विधायक दारू बेचवा रहे हैं, दारू किसी के दरवाजे पर, घर पर, खेत में उतरवा के उसको फंसा रहे हैं, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है? यही आपकी शराबबंदी है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में मोतियाबिंद शिविर आज शिव शक्ति योग पीठ नवगछिया के तत्वाधान में परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देश पर रंगरा प्रखंड के मदरोनी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरंगबली मंदिर के पास आज शुक्रवार को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए मदरोनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि शिविर में मुफ्त लेंस भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आंख में तकलीफ है वे लोग शिविर में आकर मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। देर शाम शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीहपुर विधायक ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दादपुर का किया निरीक्षण, व्यापक पैमाने पर अनियमितता उजागर। बीहपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार सैलन ने गुरुवार को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दादपुर का निरीक्षण किया। इस क्रम में व्यापक पैमाने पर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। बीहपुर विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में 116 छात्राएं और 94 छात्र नामांकित हैं, लेकिन 2 बजे दिन में विद्यालय में केवल 4 छात्राएं ही मौजूद थे। विद्यालय में शौचालय तो है लेकिन वह चालू अवस्था में नहीं था। दूसरी ओर विद्यालय में महज 107 छात्राओं के बैठने के लिए ही बेंच डेस्क उपलब्ध था, जो बेहद गंदा और बैठने के लायक नहीं था। क्लासरूम के सभी खिड़कियों का शीशा टूटा हुआ था। विद्यालय में या फिर प्रिंसिपल चैम्बर में कर्मियों को बैठने के लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं थी। जांच के क्रम में यह भी पता चला कि नामांकन में छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क को विद्यालय के बैंक खाते में न डालकर प्रभारी प्रधानाध्यापिका अपने पास ही रखती है। विधायक ने कहा कि जब इस बात को लेकर उन्होंने प्रधानाध्यापक को पूछने का प्रयास किया तो वो विद्यालय में नहीं मिली। विधायक ने कहा कि सरकार शिक्षा के नाम पर काफी सजग है और छात्र छात्राओं के लिए ढेर सारे इंतजाम किए हुए हैं। अगर विद्यालय में शौचालय पेयजल और बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे कैसे विद्यालय आएंगे। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया, वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। ढोलबजा राहुल बने छात्र जदयू नवगछिया के कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष। नवगछिया छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल ने अपने पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए गुरुवार को नवगछिया के एक कोचिंग संस्थान में राहुल कुमार राय को अपना कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं मौके पर जिला महासचिव अमन कुमार आनंद, जिला उपाध्यक्ष विनीत विद्यार्थी, नवगछिया नगर अध्यक्ष अक्षय अरुष, संतोष कुमार राय, शिवम कुमार, विकास कुमार के साथ कई अन्य उपस्थित थे। बिहपुर के मड़वा में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल का किया गया पुतला दहन। बिहपुर के मड़वा गांव में जदयू विधायक गोपाल मंडल का पुतला दहन किया गया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व मड़वा के युवा रिकी राज ने किया। रिकी राज ने बताया कि गोपाल मंडल को जल्द से जल्द भूमिहार समाज से माफी मांगना चाहिए। मदर चोद।
अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। जिले के 242 पंचायतों में करीब 500 प्रेरक को हटाए जाने पर हुए बेरोजगार। 38 महीने का बकाया मानदेय भुगतान कर रोजगार से जोड़ने की मांग को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री को दिया आवेदन। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा के आधार पर कार्यरत जिले भर में 242 पंचायतों में करीब 500 प्रेरक व समन्वयक को 38 महीना का बिना मानदेय भुगतान के ही हटा दिए जाने पर वे बेरोजगार हो गए हैं। साक्षर भारत मिशन जिला प्रेरक व समन्वय संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को लिखित आवेदन देते हुए सभी प्रेरक व समन्वयकों को बकाया राशि का भुगतान कर पुनः रोजगार से जोड़ने की मांग की है। नौगछिया नेशनल सीनियर सिटीजन की हुई बैठक। नौगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत स्थित उत्तर पूर्व टोला में गुरुवार को नेशनल सीनियर सिटीजन की बैठक महासचिव परमेश्वर झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक सेहतमंद भयमुक्त हो जीवन व्यतीत करने के लिए माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम संख्या 56/7 में पारित कर सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार ने वर्ष 2012 में ही लागू करने की हरी झंडी दे दी। वहीं दूसरी ओर बेसहारा बुजुर्ग भययुक्त वातावरण में जीने को विवश हैं। रंगरा सदुआ चापर में ग्राम विकास शिविर का आयोजन। रंगरा प्रखंड के सदुआ चापर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय चापर में गुरुवार को ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड से संबंधित आवेदन भी लिए गए और उपरोक्त योजनाओं की समीक्षा भी की गई। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी आशीष कुमार, पंचायत सचिव दीनबंधु कुमार सिंह, मुखिया मंजू देवी सहित कई अन्य उपस्थित थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371717 7325052437। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है।
अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।